हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जाहिर सी बात है, अच्छे ही होंगे। तो आज मैं कोई पर्सनल अपना व्लॉग नहीं बना रही हूँ, मेरे ऊपर बेस्ड नहीं बना रही हूँ, ना कोई फनी वीडियो बना रही हूँ। मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाह रही हूँ, जो आपको समझाना चाह रही हूँ, प्लीज़ समझिए। तो ये जो व्लॉग है वो साक्षी के ऊपर है, दिल्ली हत्याकांड या दिल्ली मर्डर केस। साक्षी, कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि साक्षी कौन है और दिल्ली का मर्डर केस क्या है। अभी रिसेंटली 28 तारीख को एक लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसने उसको बीच सड़क में 30 से 40 बार चाकू मारा, इतने बड़े बड़े पत्थर से उसके ऊपर पटक दिया, पूरा पटक पटक के पूरा कचुम्बर बना के रख दिया, चटनी बना के रख दिया। उसके पीछे से लोग आना जाना कर रहे थे, जैसे सब्जी भाजी लेने जाते हैं, उससे 1 फुट दूरी से उसके पीछे से ऐसे करके जा रहे थे, लेकिन किसी ने रोका नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, कोई रिएक्ट नहीं किया, यहाँ तो कोई डरा भी नहीं, कोई भागा भी नहीं, ऐसे टहलते हुए जा रहे थे नॉर्मली, पीछे से ऐसे निकल निकल के जा रहे थे। आप लोग वीडियो जाके देखिए, अगर नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिएगा। पीछे से टहलते हुए जा रहे हैं, मगर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। क्या हो गया है यार लोगों को, क्या हो गया है, क्यों इतनी ज़्यादा आंखें बंद कर रहे हो? वही चीज़ अगर हमारे साथ हुआ होता, हमारी बहन या हमारी बेटी, आपकी बहन के साथ हुआ होता और कोई कुछ नहीं बोलता तो कैसा लगता? मतलब उन लोगों की बातें। फिर मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। जाहिर सी बात है, हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, हम सरकार के पास नहीं जा सकते कुछ बोलने के लिए, लेकिन एक वीडियो तो बना के डाल सकते हैं। हम लोग डाल रहे हैं, दूसरी वीडियोस डाल रहे हैं ना, वैसी एक वीडियो बना के तो डाल सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। अगर आप वीडियो भी नहीं बना सकते हो तो एटलीस्ट एक वीडियो शेयर तो कर सकते हो, जैसे मैंने वीडियो बनाई, किसी और ने बनाई उसके बारे में, उसको शेयर तो कर सकते हो। हाँ, मतलब अपने स्टोरी में डाल दिया, शेयर कर दिया, यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो। अभी तो हमारे पास सोशल मीडिया है, पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले तो चलो कुछ नहीं कर सकते, अभी तो सोशल मीडिया है, इसके जरिए भी सरकार तक बात पहुंच जाएगी कि उसके लिए आवाज़ उठ रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब शांति से हैं। पर किसी को कुछ मतलब ही नहीं है यार, 16 साल की लड़की थी वो, उसको बीच रोड में इतनी गंदी तरीके से मारा। जब मैंने उसका वीडियो देखा, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे को आज हर उस लड़के में जो घूर के देखता है, हर उस लड़के में मेरे को क्रिमिनल नज़र आ रहा है डर के मारे। वो जब उसके चाकू मार रहा था ऐसा, उसने पूरा सिर में जब मारा, वो चाकू उसके सिर पे अटक गया था, जब वो ऐसा निकाल रहा था ना, तो जैसे वो सब्जी अटक जाती है तो हम लोग ऐसा निकालते हैं तो सब्जी नीचे झूलते रहती है ना, वो लड़की उस चाकू में ऐसा झूल रही थी। बाप रे, मतलब मैं सोचती हूँ, मैं रात भर सो नहीं पाई मैं जब वीडियो मैंने देखा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, अगर आप वीडियो नहीं बना सकते हो, वीडियो शेयर करो। जैसे कि आप कोई फनी वीडियो देखते हो, फटाक से शेयर कर देते हो व्हाट्सएप पे, किसी को भी भेज देते हो, किसी लड़की ने वीडियो पे गाली दिया है वो शेयर हो जाता है, किसी लड़की ने बहुत ही ज़्यादा छोटे कपड़े पहने, वो दिल्ली मेट्रो ट्रेन वाली लड़की, उसकी वीडियो वायरल हो गई। मतलब ये सड़ी सड़ी वीडियोस अगर आप लोग शेयर करके वायरल कर सकते हो तो उस लड़की का केस क्यों नहीं कर सकते, आवाज़ क्यों नहीं उठा सकते? या तो आप अपने मुंह से बोल के वीडियो बना के डाल सकते हो, नहीं डाल सकते तो दूसरे की वीडियो उठा के आप शेयर कर सकते हो, ताकि सरकार को लगे कि उसके लिए आवाज़ उठ रही है, उसके लिए हम लोग को जस्टिस चाहिए, और चाहिए ही। मैं अपने साइड से जितना हो सके मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आवाज़ उठाइए, शांत मत रहिए, बहुत गलत हो जाएगा, लड़के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। कल आज वो लड़की थी, कल हम भी हो सकते हैं, परसों आपकी बेटी आपकी बहन भी हो सकती है, इसलिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। लड़के बहुत ज़्यादा आजकल क्या हो रहा है, कोई भी किसी लड़की का रेप हुआ, नाबालिग ने किया, सज़ा नहीं मिलती, छूट जाता है आसानी से, क्योंकि वो नाबालिग है। किसी का मर्डर किया, नाबालिग है, छूट जाता है। ये क्या बात है यार, नाबालिग है इसका मतलब? मतलब तो नाबालिग लड़के तो आप कुछ भी कर सकते हैं, खुले सामने से घूमेंगे कभी किसी, मतलब आज के डेट में वाकई में लड़कियाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। और थोड़ा सा अगर कोई कुछ बोलना चाह ना तो सीधा हमारे ऊपर उंगली आ जाएगी, या तो हमारे कपड़ों के लिए बोला जाएगा, अरे वो तो ऐसे कपड़े अगर पहन के घूमती है तो उसका तो जरूर हो गई रेप। मतलब गलत है यार, बहुत गलत है। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ उसके लिए जस्टिस चाहिए, साक्षी को जस्टिस चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए, हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। प्लीज़ आप लोग भी वीडियो बनाएं
नहीं बनाते हैं तो शेयर कीजिए। आप चाहे 60 के हो, 65 के हो, आप लोग भी वीडियो शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे। जब कोई फनी वीडियो आ जाता है आप उसको दूसरे के पास शेयर कर देते हैं, तो आप उतना तो कर ही सकते हैं। आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना, आपको बाहर नहीं निकलना, आपको रोड में अनशन नहीं करना, आपको भूख हड़ताल नहीं करना, सिर्फ वीडियो शेयर करनी है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि साक्षी कौन है और दिल्ली का मर्डर केस क्या है, तो आप लोग प्लीज़ सर्च करके एक बार यूट्यूब में देखिए उसका वीडियो। अगर आपके रोंटे नहीं खड़े होगा तो मुझे बोलिएगा। तो मैं यही कहना चाहती थी कि प्लीज़ 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 साक्षी को सपोर्ट कीजिए, उसकी उसके बारे में लोगों को बताइए कि क्या हुआ है, और हमें जस्टिस चाहिए उसके लिए। उस लड़के को सज़ा मिलनी ही चाहिए, उसको तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए। मैं आप लोगों से आज इतना ही कहना चाहूँगी, बस मुझे इतना ही कहना था। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, टाटा।